उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ से हालत खराब है। बुधवार को राज्य के चमोली जिले के पतालगंगा लंगसी टनल पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इससे दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। टनल के पास सड़क पर मलबा गिरने से जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के चलते राज्य में 3 लोगों की मौत हुई है। हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर, सितारगंज और खटीमा में हालत सबसे ज्यादा खराब है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम ने बताया कि लैंडस्लाइड के मलबे से 2 नेशनल हाईवे और 200 से ज्यादा ग्रामीण रास्ते बंद पड़े हैं। असम में ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के नीचे आ गया है। राज्य में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार आया है। 26 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर लगभग 17 लाख हुई है। हालांकि मंगलवार को 7 लोगों की मौत, अब तक बाढ़ और बारिश में 92 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में गंडक, कोसी, बागमती, कमला जैसी नदियां उफान पर है। इससे गोपालगंज, बेतिया और बगहा में बाढ़ जैसी हालत है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई, 6 लोग घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 3 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल शामिल है। यूपी, बिहार, असम, मेघालय, गोवा में ऑरेंज अलर्ट। इन सभी राज्यों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं।